नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये देखिए, आपके सामने 69 शिक्षक भर्ती सहायक परीक्षा का परीक्षाफल जो सांख्यिकी है, मतलब कि जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। पीएनपी द्वारा अभी जारी किए गए आंकड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टोटल जो छात्र थे पंजीकृत वो 431,000 थे। इसमें से सम्मिलित हुए 495,000। हालांकि जो 410,000 का आंकड़ा था वो भी गलत साबित हुआ। 409,530, करीब 410,000 के आसपास ये सम्मिलित अभ्यर्थी थे। इसमें से 146,060 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब इससे भी बड़ी बात आप देखिए, जो बच्चे जानना चाह रहे थे जनरल ओबीसी एससी एसटी की क्या कहानी है, तो आप देखिए, एक्चुअली जनरल वालों का जो कट ऑफ था वो 97 था, और इसकी वजह से आपके जो सिर्फ और सिर्फ 36,614 कैंडिडेट पास हुए, मतलब सिर्फ जनरल में 36,614 कैंडिडेट हैं। अब ओबीसी में देखिए, चूँकि ओबीसी का आंकड़ा 90,000 था, सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी आते हैं वो ओबीसी में ही आते हैं, और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं 84,868। इसका ये मतलब हुआ कि ओबीसी की भी कटअप लगभग जनरल के बराबर ही रहेगी, क्योंकि दुगने आंकड़े हैं, 36,000 से दुगने 72,000 होता, उससे भी ज़्यादा 84,000। एससी के कैंडिडेट देखिए 24,308, और एसटी कैंडिडेट जो हैं वो हैं 270। एक तरफ और शिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी, इसमें आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है कि डीएलएड के मात्र 38,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, और बीएड के 97,368। मैं आपको पहले भी बता रहा था, अब इसके दो मतलब हैं। चूँकि बीएड वालों की मेरिट कम रहती है, लेकिन चूँकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 70 के ऊपर ही लगती जाती दिखाई दे रही है। अदर्स में 2,064 लोग हैं, जो कि मतलब आफ्टर 12th कर लेते हैं, स्पेशल बीएड एजुकेशन वाले हैं। शिक्षा मित्र देखिए, मात्र 8,000 शिक्षा मित्र पास हुए। इसका ये मतलब है कि पिछली बार भी शिक्षा मित्र कुछ ज़्यादा सीटें नहीं ले पाए थे, इस बार भी शिक्षा मित्र मात्र 8,000, मतलब 1,50,000 शिक्षा मित्रों में करीब करीब आपके 1,00,000 के ऊपर के शिक्षा मित्रों को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर हम एक और आंकड़े का विश्लेषण करें, ये जो शिक्षा मित्र 8,000 हैं वो आपके जनरल के 8,000 से माइनस होंगे, क्योंकि जितने शिक्षा मित्र पास होंगे वो वेटेज के आधार पे जनरल में जगह पा लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जो 36,000 कैंडिडेट हैं उसमें से 8,000 आप पहले से ही घटा के रख लीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि 28,000 कैंडिडेट जनरल में अभी फाइट में हैं। और अगर उसमें से आरक्षण जैसा कि पहले होता आया है कि ओबीसी वाले जो बच्चे हैं जिनकी मेरिट हाई होती है, तो अगर वो भी जनरल में आके शामिल हो लिए या जो भी जिस तरीके से डिसीजन रहे, एक और बात सुनने में आ रही कि ओबीसी वालों को 90 अंकों पर ही पास माना जाएगा, तो उन्हें ओबीसी में ही रखा जाता, देखते हैं क्या होता है पूरी प्रक्रिया के दौरान। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये कि जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो 28,000 पदों पर ही अपना माने, किस तरीके से क्या रहेगा, क्योंकि जनरल वाले जब गुणांक पर जाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी। देखते हैं बाकी क्या होता है, किस तरीके से शिक्षा मित्रों में भी जो ओबीसी के हैं उन्हें 90 पर ही रखते हैं या आगे जनरल में कैटेगरी में रखेंगे। जुड़े रहिए 69 भर्ती की खबरों के साथ। बहुत बड़ा आंकड़ा, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा, और डीएलएड जो जितना ज़्यादा प्रभावी था पूरी चीज़ों में, सिर्फ 38,000 पास हुए हैं, और उससे दुगने, इवन मैं कहूँ तो लगभग 3 गुने के बराबर या 2.5 गुने के बराबर बीएड के 97,368 लोग पास हैं। शिक्षा मित्रों को इन दोनों भर्तियों में कुछ खास नहीं मिला है, सिर्फ 8,000 लोग पास हुए हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से 69 भर्ती संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से।